दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। ऋषभ फीस प्रकरण की हकीकत। मेरठ कैंट वेस्टर्न रोड स्थित ऋषभ एकेडमी के फीस प्रकरण को लेकर जो तूफान बरपा है उसकी हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है। विशाल शर्मा नाम के जिन शख्स के 3 बच्चे 2 बेटियां एक बेटा यहां पढ़ता है, बकौल ऋषभ के फीस इंचार्ज दिलीप के 3 बच्चों की इस साल की नहीं बल्कि पिछले साल भी फीस नहीं जमा कराई गई है। इसके अलावा उन्होंने फीस के लिए सजा की बात को भी एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि फीस न जमा करने के लिए अभिभावकों की ओर से पहले भी इसी प्रकार के प्रेशर स्कूल प्रबंधकों पर बनाए गए हैं। ये 3 भाई बहन यहां पढ़ते हैं, किसी भी एक की फीस जमा नहीं कराई गई। जब भी फीस के लिए तगादा किया जाता है अभिभावकों की ओर से तरह तरह की धमकियां दी जाने लगती हैं। दिलीप का यहां तक कहना है कि फीस भी नहीं देंगे और बच्चे भी यहीं पढ़ाएंगे, इसी प्रकार की धमकियां आए दिन दी जाती है। उन्होंने बताया कि यदि बच्चों की फीस नहीं समय से जमा की जाएगी तो जो टीचर इन्हें पढ़ाते हैं उनकी सैलरी कहां से दी जाएगी। हर माह भारी भरकम बिजली के बिल आते हैं, हाउस टैक्स आते हैं। इसके अलावा स्कूल के अन्य व्यय, जिन बच्चों को शिक्षित करने के लिए यह स्कूल संचालित किया जा रहा है, यदि उनके अभिभावक बजाय फीस जमा करने के फीस मांगने पर डराने धमकाने का काम करेंगे तो फिर ना तो कोई स्कूल ऐसे बच्चों को लेने की हिम्मत जुटाएगा और ना ही ऐसे बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। दिलीप ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रशासन ने जांच बैठा दी है, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले को लेकर अरनगल तूल दे रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी अभिभावकों से सवाल किया है कि 6 माह से अधिक का समय हो गया, फीस क्यों नहीं दी, क्या यह उचित है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्णिमा गौड़ है। मैं स्कूल में क्या हुआ था? मैं कल अपने स्कूल गई थी तो फर्स्ट पीरियड के बाद उन्होंने सेकंड बेल लगते ही हमें नीचे बुला लिया और बोले कि लाइन लगा के नीचे खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि क्यों खड़ा कर रखा है, खड़े खड़े हमें 1.5 घंटे हो गए। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिगड़ने लगी तबीयत। फिर रिसेप्शन से मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मा को कॉल करा कि मेरी सिस्टर की ठीक नहीं है तबीयत, आप आ जाइए, और इन्होंने हमें इतनी देर से खड़ा कर रखा है। मेरी सिस्टर को वॉशरूम जाना था, उसे वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। फिर हमने अपनी कोऑर्डिनेट मैम से बोला कि मैम हमें वॉशरूम जाना है और सर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैम ने बोला कि सर ही ने वॉशरूम तो जाने दीजिए। इतना गंदा बिहेवियर करा उन्होंने हमारे साथ। तो हमने बोला सर हम थक रहे हैं खड़े खड़े, तो कहते हैं कि मिट्टी में बैठ जाओ, यहीं बैठना है तुम्हें लास्ट फिर तक। फिर DM अंकल को मम्मा ने फ़ोन करा, जब ही तो DISO सर का फ़ोन गया होगा स्कूल में, उन्होंने तुरंत ही हमें क्लास में भेज दिया। फिर 1 घंटे 30 मिनट के बाद आपको क्यों खड़ा करा था? मेरी मम्मा हमारी अप्रैल से और अब जुलाई तक की फीस सबमिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा नहीं है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरा नाम शैली है, मैं तोपखाना में रहती हूँ। मेरी बच्चियाँ कल स्कूल गई, 7-8 साल से ऋषभ स्कूल में पढ़ते हैं मेरे 3 बच्चे। कल सुबह जब स्कूल गई तो इनको स्कूल जाने के बाद ही प्रिंसिपल ने फीस के लिए मैदान में धूप में खड़ा किया और करीब 1 घंटा 20-30 मिनट तक ये बच्चे खड़े रहे। बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड पीरियड के लिए खड़े रहे हैं। छोटी बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसको फास्ट था, कल सुबह खा के नहीं गई तो उसको चक्कर आने लगा। इसी बीच उसको वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम जाने लगी, उसको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, सर ने धमका के पीछे खड़ा कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा, पीछे खड़ा हो जाओ। उसके बाद बच्चियों ने कोऑर्डिनेटर मैम से बोला कि मैम हमको वॉशरूम तो जाने दो कम से कम, तो उन्होंने फिर बच्ची को वॉशरूम जाने दिया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई, बड़ी वाली गुड़िया ने ज़बरदस्ती बिना परमिशन के रिसेप्शन से जाके कॉल किया मेरे को 10 बजे के आसपास कि मम्मा हम लोगों को ऐसे खड़ा करा हुआ है और हमारी बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ ना जाके सीधा सर को फ़ोन किया क्योंकि DM सर से मैं रिक्वेस्ट करने आई थी कि कुछ कंसेशन या कुछ फीस, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। वो बोले ठीक है हम बात करते हैं। DM सर ने तुरंत ही मेरे बच्चों के लिए एक्शन लिया, वहाँ पर जिसको भी भेजा, जिसको भी कॉल किया, तुरंत ही बच्चों को 20 मिनट के अंदर क्लास में भेज दिया गया। मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो प्रिंसिपल ने सीधा अभद्र व्यवहार करा, तेज़ आवाज़ में मुझसे बात करी और बोले कि हम लोगों ने खड़ा नहीं किया, हम लोगों ने तो सिर्फ इनको कहा है। और मैंने तभी बोला कि आप स्कूल की फुटेज निकलवाइए, अगर मेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो आप फुटेज निकलवाओ, आपने अगर नहीं खड़ा करा है बच्चों को तो। ऋषभ वेस्टर्न रोड पर है ऋषभ एकेडमी और प्रिंसिपल है मुकेश जैन। वजह कुछ नहीं, बस अप्रैल से फीस जमा नहीं कर पाई हूँ मैं बच्चों की, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पिछले 2 सालों से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे, 10 सालों से थे। सुरेंद्र सिंह हैं कमिश्नर साहब, दोनों बच्चे रिक्वेस्ट करके गए 2 साल से, वो मेरे बच्चों को किताबें दिला रहे हैं पढ़ने के लिए और उन्हीं के ऊपर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो अभी स्थिति खराब थी और मैंने परमिशन भी ले रखी थी। अब क्या मांगे आपकी? मेरी मांग ये है कि जो कुछ भी मुकेश जैन ने किया है प्रिंसिपल ने मेरे बच्चों के साथ, उसमें कानूनी कार्रवाई हो। नहीं देखिए, शैली शर्मा जी हैं, इन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि इनके जो बच्चियां पढ़ती हैं ऋषभ अकेडमी में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये शायद इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी, जिसका कारण ये बता रहे हैं कि वहाँ के मैनेजमेंट ने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया और कल जब प्रशासन को कॉल किया उसके बाद बच्चियों को स्कूल में अंदर या क्लास के अंदर जाने दिया। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है, हमने जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ के सी ओ हैं उनको ये जाँच दे दी है और बोला गया कि अगर इसमें जाँच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको करें, तो विद इन 24 आवर्स का टाइम दिया है कि खुद मजिस्ट्रेट जाके देख लें और अगर उसमें कहीं भी इनकी जो भी एप्लीकेशन में जो तथ्य हैं सही पाए जाते हैं तो फिर अकेडमी के खिलाफ कार्रवाई की होगी।